हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज है दशहरा और वीडियो की शुरुआत हो रही है सीधा हमारे रूम से। नवरात्रि खत्म हो चुकी है और दशहरे पे घर के पास में ही ग्राउंड है, वहाँ पे मेला लगता है। 6 दिन का मेला है, डेली एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे मेले का। तो दोस्तों, मेले में जाने से पहले ना मुझे थोड़ा बाल बाल चेक करा लें, काफ़ी इधर से बिगड़ गए हैं। और मैं आपको बताना भूल गया कि मेले के पास में ही माता जी का जो है विसर्जन होता है, यहीं पे एक तालाब है जहाँ पे विसर्जन किया जाता है। तो बाहर वही लोग जा रहे हैं विसर्जन के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे विसर्जन किया जाता है माता जी का। गरबा खेल के नाचते हैं लोग, इंजॉय करते हैं। आखिरी दिन होता है दशहरे के दिन। अब यहाँ से ये सीधा विसर्जन के लिए चले जाएंगे और माता जी का विसर्जन करेंगे। और फिर शाम को यहाँ दिन भर विसर्जन करने के बाद शाम को सीधा मेला लगता है। दिन में काफ़ी शाम को प्रोग्राम होता है, रावण दहन और सब कुछ होगा। भाई मैं आज सुबह यहाँ कटिंग करवाने देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अभी मैं मार्केट से सामान लेके आ रहा था, कुछ काफ़ी भीड़ है, अभी और भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे। फाइनली गाइस, जिस समय का इंतज़ार था मेला लग चुका है। आपको दिखाता हूँ मैं वीडियो अंदर चल के। ये देखिए मेले का नज़ारा, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे कार्यक्रम होता है नाइट में, जो भी फंक्शन रहेगा हमेशा 6 दिन तक। और खास चीज जिसके लिए मेला लगा हुआ है, रावण, ये देखिए। हमारे फ्रेंड्स खड़े हैं यहाँ पे, मेला एंजॉय कर रहे हैं। राम जी पधार चुके हैं। Thank you.
चलो चलो मेघनाथ पाचन लगा देख ले पाचन लगा।